नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। धार्मिक नफरत का जहर हमारे देश में कितनी तेजी से फैलता जा रहा है ये आप और हम सभी जानते हैं। हिंदू मुस्लिम को लेकर हमारे देश में न जाने कब से विवाद चलता आया है और आपको बता दें कि अब खाने को लेकर भी हिंदू मुसलमान होने लगा है। दरअसल अब सोशल मीडिया पर खाने को लेकर धर्म की बहस छिड़ गई है जिसके पीछे खाना डिलीवर करने वाली कंपनी है जोमैटो। आखिर क्यों खाने को लेकर हिंदू मुस्लिम मचा हुआ है ये वायरल न्यूज देखिए और समझिए क्या है पूरा मसला, क्योंकि अब तक तो शायद आप भी इसके भागीदार बन चुके होंगे। सोशल मीडिया के जमाने में एक ट्वीट ने सनसनी मचाकर रख दी है और इस ट्वीट की जड़ में है वो विवाद जिसने देश की बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो को इन दिनों विवादों के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल जबलपुर के रहने वाले पंडित अमित शुक्ला ने फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो से खाना मंगवाया, लेकिन मैसेज के जरिए उन्हें यह पता चला कि डिलीवरी बॉय एक मुसलमान है जो उनका खाना लेकर पहुंचने ही वाला था। उन्होंने उसे सावन का हवाला देकर टाल दिया और खाना लेने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि उन्होंने जोमैटो से ऑर्डर किया हुआ खाना कैंसिल कर दिया है क्योंकि जो व्यक्ति ऑर्डर लेके आने वाला था वो एक मुसलमान था। उन्होंने ये भी कहा कि जोमैटो कंपनी ने डिलीवरी बॉय बदलने से मना कर दिया है, यहां तक कि मेरे पैसे देने से भी इनकार कर दिया है, जिसके चलते ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता जा रहा है और उसे हवा दे रहे हैं आप और हम जैसे लोग। ट्विटर पर नंबर वन ट्रेंड करने लगा है ये ट्वीट। जोमैटो ने इस ट्वीट का करारा जवाब देते हुए कहा है कि खाने का कोई धर्म नहीं होता, खाना अपने आप में एक धर्म है। अब ट्विटर पर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि खाना धर्म है या धर्म पर खाने को लेकर बहस। हालांकि धर्म को लेकर जोमैटो के साथ कोई पहला विवाद नहीं है, इससे पहले भी एक मुस्लिम वाजिद नाम के लड़के ने हिंदू होटल से खाना लेने से साफ मना कर दिया था। लेकिन वहीं जोमैटो का एक डिलीवरी बॉय जो खाना खाकर झूठा पार्सल लोगों को पहुंचा रहा था तभी वो विवादों में आया। इसके साथ कैराना के विधायक नाहिद हसन ने भी जो भाजपाई दुकानदारों से सामान लेने के लिए अपने मुस्लिम भाइयों को मना किया तो वो भी विवादों का हिस्सा बन गए। ये खबर हमें साफ साफ बताती है कि हमारे देश में भेदभाव अब भी हो रहा है, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो या फिर किसी और नाम पर। तो अब सवाल ये है कि आखिर क्यों लोग खाने जैसे गैर धार्मिक चीजों में भी अपना धर्म ढूंढ रहे हैं, क्यों ये सब करना हमें शोभा देता है। माना आपके साथ बीता कोई किस्सा या फिर कोई विवाद आपको धर्मों के बीच संघर्ष पैदा करने पर मजबूर कर रहा होगा, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये ख्याल सरासर गलत है। पहले धर्म के नाम पर राजनीति ने लाखों घरों को बर्बाद किया, अब धर्म के नाम पर चल रहा विवाद कारोबार पर भी कुप्रभाव डाल रहा है। अमूमन ऐसे हालात देखे जाते हैं, ऐसे किस्से देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी दिवाली होली के मौकों पर धर्म को एक करने वाले एडवर्टीजमेंट्स आपका दिल पिघला देते हैं, तो जिंदगी भर के लिए ये लड़ाई क्यों नहीं थम सकती। शुरुआत दोनों तरफ से होनी चाहिए, किसी एक धर्म के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये जंग काफी पुरानी है जिसे वक्त रहते शांत होना होगा, वरना अफसोस सबको करना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने सुझाव मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। नमस्कार।